हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। आज पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इसको हम बोल सकते हैं ये पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सेल्फ सफिशिएंट सफिशिएंट, और इसको बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जनरली देखा जाता है प्लांट्स एंड एनिमल में। एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जनरली सीन इन प्लांट ठीक है बच्चों। तो पेन थोड़ा चेंज कर ले, कौन सा कलर ले ले? ब्लू। तो फिर हम पढ़ेंगे क्या ना, एंडोसिम्बायसिस थ्योरी क्या होता है। एंडोसिम्बायसिस थ्योरी शायद मैं सेल ओवरव्यू में समझाया था, एंडो फ्यूचर एंडो सिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या है ना, बहुत पुराने में, पुराने जमाने में, पुराने मतलब बहुत साल पीछे, ठीक है, तो हमारा सेल था प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत बड़ा बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल था, कुछ कुछ छोटा छोटा प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, तो ये जो बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल था, ये हमारा बड़ा प्रोकैरियोटिक जो सेल था, वो क्या करता था, ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं ना, इनको खा लेता था। इसका ऐसे मुंह था, ऐसे दांत भी था। ये बड़ा सेल, बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या कर रहा था, ये छोटे छोटे सेल को खा देता था, प्रोकैरियोटिक सेल को खा देता था। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक छोटा सेल को वो खा दिया, मगर उसको क्या किया ना, डिग्रेड नहीं कर पाया, मतलब उस वो उदास था। ये जो छोटे सेल को खा दिया ना, उसको बाद में पता चला कि वो उसका नाम था, ये जो छोटा सेल है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो छोटा सेल है उसका नाम बाद में पता चला कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट क्या है ना, एक फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल। ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस मतलब पता है ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस मतलब तुम ये जो हमारा प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस को अगर जनरल टर्म में बोलूं कि वो मतलब जो सेल सूरज के रोशनी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O से हमारा ग्लूकोज बना देता है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस मतलब यहाँ पर ये क्या करता है ना, बहुत सारा ग्लूकोज बनाता है,
ग्लूकोज बनाते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ना येलो कलर, बहुत सारा ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। कैसे ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या बनाता है ना, C6H12O6, दैट मीन्स ग्लूकोज एंड कुछ ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करना पड़ता है बच्चों, केमिस्ट्री में जैसे बैलेंस करते हैं, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 लग जाएगा, 6CO2 प्लस H2 का किधर 12 है तो यहाँ पर 6H2O, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6O2, मतलब यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 18, 18 से 6 निकल गया 6O2, ऐसे ही कुछ हो जाएगा शायद, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O शायद, शायद 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6। थोड़ा ये देख लेना, मतलब बैलेंस, एक मिनट रुक लो मैं देख लेता हूँ इक्वेशन, भूल गया, एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमारा ठीक है, प्रोसेस ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2, ये ठीक है। तो क्या किया हमारे, कहाँ तक थे, ये बड़ा प्रोकैरियोट जो है वो छोटा प्रोकैरियोट को खा लिया, तो बाद में वो पता चला कि वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है, ठीक है। ये क्या बोला कि उसको, देखो भाई साहब मेरे को तुम मतलब पूरा मत खाओ, मेरे को प्रोटेक्ट करो, और मैं क्या करूँगा तुमको बदले में ग्लूकोज दूंगा, ठीक है, जैसे हफ्ता देते हैं ना, ये बोला कि मेरे को प्रोटेक्ट करो, बाहर अगर तुम नहीं खाओगे तो किसी और बड़ा सेल खा जाएगा, तो तुम्हारे पास मैं हाथ जोड़ कर मतलब बोलता हूँ कि तुम्हारे पास मैं रहूँगा, मगर तुम मेरे को पूरा डाइजेस्ट मत कर देना, मैं तुमको हफ्ता हफ्ता पर हफ्ते हफ्ते भर जैसे मतलब हफ्ता देते हैं ना वैसे तुमको मैं ग्लूकोज दूंगा और तुम मेरे को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। सिम्बायोसिस, यहाँ से सीख लो बच्चों, एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी, एंडो मीन्स इनसाइड द सेल, एंडो मीन्स इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल, सिम्बायोसिस मतलब दोनों का बेनिफिट, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सेल का भी फायदा हुआ क्योंकि ये ग्लूकोज दिया सेल को, खुद के लिए बनाया ग्लूकोज, और सेल को भी जो बड़ा सेल है उसको भी दे दिया, ठीक है, और इसका क्या फायदा है कि ये बड़ा सेल इसको प्रोटेक्ट भी किया, तो ऐसे ही बाद में ये बन गया यूकैरियोटिक सेल लाइन, ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल लाइन का जन्म हुआ। वैसे ही ऐसे घूम रहा था ये सेल, बड़ा सेल, एक बार क्या, सॉरी कितना गंदा कर, ऐसा ही एक सेल था बड़ा सेल, ये क्या किया ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लूकोज नहीं बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा एटीपी बनता है। अगर सेल के पास ग्लूकोज होगा कुछ, या फिर इसने खा लिया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, अगर सेल के पास ग्लूकोज है पहले से, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है पहले से ग्लूकोज है, और एल्स अगर इस टाइप का फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक जो ग्लूकोज देते हैं बड़े सेल को, अगर वो है तो इसी ग्लूकोज को, वो बोला कि इस ग्लूकोज को क्या तुम प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके एटीपी निकाल सकते हो, ये बड़े वाले सेल को पूछा, बड़े वाले सेल बोला कि नहीं प्रॉपरली तो ब्रेक डाउन नहीं कर सकता हूँ मगर कुछ हद तक कर सकता हूँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि मैं प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को एटीपी बना के तुमको दे दूंगा। एटीपी हमारा बच्चों याद रख लो, एटीपी इज द करेंसी, मतलब एनर्जी का करेंसी है एटीपी, एनर्जी करेंसी, इसको याद रख लो,
ठीक है बच्चों, तो मतलब ये सब प्रोकैरियोट ऐसे ही बना हमारा यूकैरियोटिक सेल है, सेल लाइन गलती से बोल दे यूकैरियोटिक सेल। तो ये सब जो यूकैरियोटिक बना बाद में, ठीक है पेन चेंज कर देता हूँ, दूसरे पेन कौन सा, पिंक, ठीक है। तो ये सब जो बना प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक, तो हम तो सेल तो वो खा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये क्लोरोप्लास्ट, मगर इनके अंदर खुद का अपना जीनोम होगा, ठीक है। और वो कैसा होगा ना, सर्कुलर लाइक प्रोकैरियोटिक। हमको पता था प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो क्रोमोजोम सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, एंड यूकैरियोटिक में लीनियर होता है, हालांकि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और इसके पास भी खुद का एक न्यूक्लियस होगा, इसको एन लिखता हूँ, और न्यूक्लियस का अंदर ऐसे ही मतलब उसका क्रोमोजोम लीनियर टाइप का होगा, ठीक है। तो हमको पता है प्रोकैरियोटिक में क्रोमोजोम सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक में लीनियर होता है। राइबोजोम क्या यूज करते हैं प्रोकैरियोट में, राइबोजोम ना 70S और यूकैरियोटिक में 80S, ये भी बताया था राइबोजोम में। बड़ा वाला लार्ज सब यूनिट कितना यूनिट का होगा, 50S, स्मॉल स्मॉल राइबोजोम कितना यूनिट का होगा, 30S। यहाँ पर लार्ज कितने का होगा, 60S, स्मॉल कितने का होगा, 40S, ठीक है बच्चों। ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो ये खुद का क्या बना था, खुद का सर्कुलर डीएनए है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास, तो यहाँ से वो अपना खुद का एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से खुद का प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए से बच्चों, ये कितने बार तुमको बता चुका हूँ, डीएनए से एमआरएनए होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन होने के मतलब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लोरो, और एक बात याद रखो, हमारे पत्ते में ना क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है, इसीलिए ना पत्ता ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी थोड़ा बहुत ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। अभी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे रे गया, माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रीन क्यों बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ब्लू बनाते हैं, ब्लू 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 ग्रीन बनाएंगे तो हमारा क्लोरोप्लास्ट को, ये अपने का माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इनर लेयर, ऐसे ही फोल्डेड फोल्डेड करके होगा उसका इनर लेयर माइटोकॉन्ड्रिया का, समझ रहे हो, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। ये क्यों नहीं चल रहा है रे मेरे पेन, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसको और एक बात भी बोलते हैं क्रिस्टा। इस ये जो आउटर इनर के स्पेस जो है, इंटर लुमिनल, इंटर लुमिनल, हाँ इंटर लुमिनल स्पेस, ठीक है स्पेस, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होगा बच्चों, मैं बोला था किस सेल के अंदर, यहाँ पर एक बड़ा सा सेल बना देता हूँ, ओके एक मिनट,
एक बड़ा सा सेल बना देता हूँ। इसे ऐसे ठीक है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर है अपना डीएनए, अपना यूकेरियोटिक सेल का डीएनए, और क्रोमोसोम, जो भी बोल सकते हो बोलो। ठीक है, 8 शेप के होते हैं, 8 के जैसे होता है। तो क्या होता है कि बेसिकली ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना, ग्लूकोज से बच्चों ना, ग्लूकोज से क्या बनता है ना, हमारा पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ये हम ना डिटेल में पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, फिकर नट। ये जो ग्लूकोज होता है ना, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो 2 पाइरूवेट निकलता है। ठीक है, मतलब ये जो है ना कार्बन कार्बन, मतलब ये ग्लूकोज है ना, ये ऐसे ऐसे कार्बन बॉन्ड कर करके हुआ होगा, तो एक एक कार्बन बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, 6C से 3C हो गया, मतलब 6 कार्बन था, 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल, 2 पाइरूवेट हो गया 3 कार्बन का, यहाँ से भी थोड़ा बहुत एटीपी निकला, 2 एटीपी निकला। एटीपी का फुल फॉर्म पता है ना बच्चों, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म, एडेनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एटीपी पाइरूवेट क्या होगा ना, ये चला जाएगा अंदर हमारा, इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पर एक साइकिल घूमता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये क्या बनाएगा, ये जो पाइरूवेट है ये क्या बनाएगा ना, थोड़ा बहुत एटीपी बनाएगा, बहुत कम, मगर और एक मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट इज एनएडीएच एंड एफएडीएच। ये एनएडीएच एंड एफएडीएच ना बच्चों बाद में जाकर बहुत सारा मतलब क्या एटीपी बनाते हैं, मतलब एक एनएडीएच से 3 एटीपी बन जाएंगे और एक एफएडीएच से 2 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, मतलब एक क्रेब्स साइकिल मतलब घूमेगा ना, एक ग्लूकोज से वो 38 एटीपी निकाल देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है क्रेब्स साइकिल। ये कैसे एटीपी को कन्वर्ट करते हैं ना, ये जो एनएडीएच एफएडीएच है इसको एक मतलब क्या पैसा जाएगा, एक प्रोटीन का सिस्टम है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ETC, इसमें NADH FADH जाकर मतलब अच्छे से मतलब पीस कर ATP निकाल देंगे। तो ये तुमको डाउट, एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड फोल्डेड क्यों है, सोचो क्यों है, क्योंकि ऐसे फोल्डेड फोल्डेड क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर अगर फोल्डेड हो जाएगा ना, बहुत सरफेस एरिया इसको मिल जाएगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोटीन चेन होता है ना, उसको रखने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा ना, अच्छे तरीके से मतलब बहुत कम टाइम में NADH FADH से ATP तुम्हारा निकल पाएगा, तो इसीलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये जस्ट फोल्डेड हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट, पाइरूवेट से मतलब ग्लूकोज से पाइरूवेट थ्रू ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, देन पाइरूवेट से जाकर क्रेब्स साइकिल से एटीपी एनएडीएच एफएडीएच निकलना, और एनएडीएच एफएडीएच फिर बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाकर एटीपी बनाना, ये सब चीज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी के लिए तुम थोड़ा याद रख लो, या फिर मतलब क्या रट्टा मार लो, जो भी करना है कर लो, मगर थोड़ा बहुत समझ लो। ठीक है।
तो तुमको बताया था, क्या बताया था ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे कौन ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे तो उनके पास तो खुद का ही अपना डीएनए होगा जो कि सर्कुलर डीएनए है, और का सर्कुलर डीएनए से वो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, मतलब खुद का प्रोटीन खुद बनाते हैं, तो उनका भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर वो अपना बनाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जनरली राइबोसोम दिखा जाता है 70S का, यहाँ पर 70S का राइबोसोम दिखाई देता है, यहाँ पर भी 70S का राइबोसोम दिखाई देता है। मगर ये जो न्यूक्लियस अपना जो क्रोमोजोम है, यहाँ पर तुमको दिखने को मिलेगा 80S राइबोसोम। राइबोसोम का बच्चों बड़ा हाथ है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये हम ट्रांसलेशन प्रोसेस जब पढ़ेंगे, मॉलिकुलर इनहेरिटेंस, उस टाइम में तुमको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए क्रोमोजोम सर्कुलर होता है, और उनमें राइबोसोम 70S का पाया जाता है। 70S का लार्जेस्ट सब यूनिट 50S का होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30S का होता है, एंड जो हमारा यूकेरियोट है उसमें राइबोसोम 80S का दिखाई देता है, और हमारा लार्जर सब यूनिट होता है 60S का, स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S का, और इसमें लीनियर टाइप का क्रोमोजोम दिखाई देता है। ये बच्चों अच्छे से याद रख लो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ मतलब क्या करता है, ये अपन का माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से भी ये सेल जैसे डिवाइड करता है ना, सेल एक से दो हो जाता है, दो से चार हो जाता है, चार से आठ हो जाता है, आठ से मतलब 16 हो जाता है, 16 से 32 हो जाता है, 32 से 64 हो जाता है, वैसे ही ये एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाता है, ठीक है। बहुत खराब ड्राइंग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिजन प्रोसेस। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ डिवाइड होकर, देन इसको बोलते हैं फिजन। अगर दो माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। चलो अब कुछ जानते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड, ठीक है बच्चों, प्लास्टिड जनरली फाउंड इन प्लांट एंड यूग्लोनाइड, दिस इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज बॉडीज एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो ये जो प्लास्टिड है बच्चों, ये क्या है, तीन हिस्सों में है, ठीक है। क्या क्या है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज ए मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चों मतलब खाना बनाना प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। तो ये क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना देता है ना, ग्लूकोज C6H12O6 बना देता है, प्लस कुछ ऑक्सीजन भी निकाल देता है। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, ये कुछ स्टोर करके रखता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि हेल्प करता है इस फोटोसिंथेसिस में, और इसी वजह से
हमारा मोस्ट ऑफ द प्लांट के पत्ते जो भी है, इसी वजह से हमारा क्या दिखाई देता है, कौन सा कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है इस क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, देन आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है ना, ये स्टोर करता है फैट को, स्टोर करता है फैट को, फैट सॉल्यूबल पिगमेंट लाइक इसके एग्जाम्पल जैंथोफिल कैरेटिनॉइड, और ल्यूकोप्लास्ट बच्चों ये सब स्टोर करता है। ये स्टोर करता है क्या, प्रोटीन, प्रोटीन स्टोर करता है, ये फैट को भी स्टोर करता है, स्टोर करता है फैट को भी, एंड ये कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो जो स्टोर करता है प्रोटीन को उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, और फैट को जो स्टोर करता है इलियोप्लास्ट, और कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करता है उसको अमाइलोप्लास्ट, और यूकेरियोट में वाटर को जो स्टोर करता है उसको क्या, वैक्यूल। ठीक है, देन आता है क्लोरोप्लास्ट के फिगर को, देखते हैं कैसे दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आएगा तो भाई मैं ग्रीन कलर का पेन ही लूंगा, और किसी कलर का नहीं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। तो कहाँ गया, हाँ तो ये रहा हमारा अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा क्लोरोप्लास्ट। अरे किसे, इसे डबल मेम्ब्रेन का होता है ना क्लोरोप्लास्ट, बताया था अभी। और इसमें ये जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये भी इंटरल्यूमिनल स्पेस के जैसे है, और ये जो होता है ना, ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, जैसे हमारे सेल के अंदर जो पार्ट होता है जिसमें सब तैरते होते हैं, मतलब एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम हो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो, गॉल्गी बॉडी जो, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी, जो जिसमें तैर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ना ये स्पेस, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसके इसके अंदर भी ऐसे डिस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पड़े होंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक डिस को ना हम बोलते हैं थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। ये पूरा सेट को, ये पूरा सेट को, अगर स्टैक ऑफ थाइलाकोइड को हम बोलते हैं ग्रानम, और ग्राना जो भी बोल सकते हो, और ग्राना, क्योंकि ये स्टैक ऑफ थाइलाकोइड, स्टैक ऑफ मतलब एक 5 रुपए का कॉइन लो, उसके ऊपर और एक 5 रुपए, उसके ऊपर और एक 5 रुपए का कॉइन ऐसे स्टैक करके रखोगे तो वैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, समझ लो एक मतलब ऐसे तुम मतलब 4-5 ले लो 5 रुपए का कॉइन, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक रख लो। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल 5 रुपए का कॉइन है ना उसको बोलेंगे थाइलाकोइड, और जो स्टैक मतलब एक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है पूरा स्टैक को बोलेंगे ग्रानम। तो ऐसे ऐसे पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे पड़ा होगा। इनके अंदर भी कनेक्शन भी होगा कुछ। तो क्या होता है, हाँ येलो कलर सूरज ले लेता हूँ, जब सूरज का रोशनी, सन
यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये क्या करता है ना, हमको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ना, खाना बनाना होता है। खाना क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज है। तो अगर सोच लो मम्मी को हमारा मतलब खाना बनाना है, पहले वो क्या करेगा, सब वेजिटेबल को अरेंज करेगा, सब ग्रोसरी आइटम को अरेंज करेगा, सब बर्तन वगैरह को अरेंज करेगा, फिर रसोई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ग्रानम है ना, थाइलाकोइड है, यहाँ इसके अंदर ना बहुत सारे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है इसके अंदर, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट, इसके अंदर ना बहुत सारा क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो कि इनिशियल स्टेज में आपका तुम्हारा सब मतलब क्या हमारा जैसे मम्मी को एक खाना बनाने को कहोगे तो वो बोलेगा पहले मेरे को वेजिटेबल अरेंज करने दो, मेरे को सब बर्तन अरेंज करने दो, गैस अरेंज करने दो, फिर बाद में तुमको खाना बना के दूंगा। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, इस थायलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। थायलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या निकलता है ना, एटीपी एनएडीएच निकलता है, जो बाद में जाकर एटीपी, यहाँ से लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, मतलब सन से लाइट पड़ेगा यहाँ पर थायलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन में बहुत सारा प्रोटीन है, और उसी लाइट को यूज करके वो क्या बना देते हैं ना, एटीपी बना देते हैं। ये एटीपी को यूज करके ये क्या होता है ना, तुम्हारा एटीपी CO2+H2O तो है, और एटीपी प्रेजेंस लाइट के प्रेजेंस में स्ट्रोमा में चलेगा, सब ग्लूकोज बनाते हैं। तो थायलाकोइड मेम्ब्रेन में थाई लिख लेता हूँ, एटीपी प्रोड्यूस होता है जनरली, और उसी एटीपी को यूज करके स्ट्रोमा में क्या होता है ना, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा बेसिक। चलो अभी एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। जो बहुत इजी है, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़े ना अच्छे से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ये इजिली विजिबल नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है, तुम्हारा सेल टू सेल डिफर करता है, किस में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, किस में कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, टिपिकली सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप होता है। मैं तुमको दिखाया था ऐसे ही होता है ना, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का होता है, हैविंग डायमीटर 0.1 से 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1 से 4 माइक्रोमीटर। ये था डायमीटर, ये था लेंथ, थोड़ा याद रख लेना। इज माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन तो मैं बताया था, क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और बच्चों याद मतलब ये सब याद रखना, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये सब याद रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, विद द आउटर में जो पड़ा होगा उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर में जो पड़ा होगा उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन को भी मैं बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्ट कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इन द ल्यूमिनल डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वियस कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट इन फिलिंग्स विद द डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स, अंदर का जो पोर्शन होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ये पोर्शन को मैट्रिक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पोर्शन को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, लिख लो इस साइड को मैट्रिक्स बोलते हैं। आते हैं यहाँ पर, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द इनफोल्डिंग कॉल्ड एज क्रिस्टा, ये तुमको बताया था। आउटर मेम्ब्रेन तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, क्यों फोल्डेड होता है ना, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन रह जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का चेन रह जाएगा, तो हमको इजी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, इजी हो जाएगा क्या, किसके लिए इजी हो जाएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया को इजी हो जाएगा एनएडीएच एफडीएच से एटीपी बनाने में, ठीक है बच्चों। तो आज आते हैं यहाँ पर,
तो द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये बार बार बोलता हूँ मैं। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइड ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ जहाँ होता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का मतलब फॉर्मेशन और इन्वॉल्वमेंट जहाँ जहाँ रहता है, जो जो रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जिस जिस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइड ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट एनएरोबिक। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर देखा जाता है? जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में बनाते हैं सेलुलर एनर्जी को? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्यों सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ये रखते हैं? हमारा यूकेरियोटिक तो लीनियर है, ये क्यों सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये पहले थे क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में होता कैसा है डीएनए और क्रोमोसोम? सर्कुलर ही होता है, तो इसके लिए इसका डीएनए कैसा है? सर्कुलर ही है। ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम। राइबोसोम इसमें किस तरह यूज होता है ना? 7 डेज का राइबोसोम यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक, पहले प्रोकैरियोटिक थे हमारे, हम तो यूकैरियोटिक है। हमारे किस टाइप का राइबोसोम यूज होता है? एटीएस का राइबोसोम होता है। हमारा डीएनए कैसे है? क्रोमोसोम कैसे है? लीनियर है। इनका कैसे है? सर्कुलर है। ये बात मैं तुमको बहुत बार बोल चुका हूँ। मेरा लिरिक्स तुमको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? चलो। द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजियन। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाने को प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियन। एक दो माइटोकॉन्ड्रिया से एक माइटोकॉन्ड्रिया बन जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ये तो तुमको मैं बताया था। अभी आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के ऊपर। ये देख लो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं जो आउटर साइड में रहता है उसको आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर साइड में रहता है उसको इनर मेम्ब्रेन। जो ये से फोल्डेड फोल्डेड होके रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टे का जो इन फोल्डेड सब का अंदर जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो इन आउटर एंड इनर के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, में इंटरल्यूमिनल स्पेस बोल दिया था। ठीक है, सब ठीक है बच्चों। अभी आते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो सॉरी प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लॉयड। ये तुमको बार बार बोल चुका हूँ, याद रख लो। दीज आर द इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। मगर माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, यहाँ पर प्लास्टिड को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है? ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप आज दे आर लार्ज। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। वेरियस टाइप का कलर भी देते हैं, जैसे क्लोरोफिल से ग्रीन कलर होता है, और विभिन्न टाइप का मतलब प्लास्टिड होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर देते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मैं तुमको बताया था यहाँ पर प्लास्टिड देख लो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर लाइट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तुमको ऑक्सीजन देता है और ग्लूकोज देता है। ये मेन साइट ये स्टोर करके रखता है क्लोरोफिल, जिससे तुमको ग्रीन दिखता है। और क्रोमोप्लास्ट ये मेनली फैट सोल्युबल पिगमेंट रखता है। थोड़ा एग्जाम्पल ले लूँ तो जैंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये सब चीज़ रखता है स्टोर करके प्रोटीन रखता है, फैट रखता है, कार्बोहाइड्रेट रखता है। कार्बोहाइड्रेट रखेगा तो ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलोगे बच्चों? अमाइलोप्लास्ट। अगर फैट को स्टोर करके रखा तो क्या बोलोगे बच्चों? इलियोप्लास्ट। और स्टोर करके प्रोटीन को अगर रखा तो उसको बोले आलियोप्लास्ट, ठीक है?
क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल कैरेटिनॉइड पिगमेंट व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। हमको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एक बहुत मेजर चीज होता है। तब इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल पिगमेंट आर स्टोर कैरेटिनॉइड, ओके लाइक कैरोटीन जैंथोविल इस उसका एग्जाम्पल है। दे गिव पार्ट ऑफ द प्लांट येल्लो एंड ऑरेंज रेड कलर। अगर ग्रीन कलर दिखाई देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल। अगर तुमको कुछ कुछ पत्ता और प्लांट येल्लो ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरेटिनोइड। द लिकोप्लास्ट आर द कलरलेस, उनमें कलर ही नहीं होता है। द लिकोप्लास्ट ये एग्जाम्पल, ये सब बच्चों याद रख लो क्योंकि आ जाएगा एग्जाम, मतलब एग्जाम में। ग्रीन कलर ड्यू टू व्हिच पिगमेंट, क्लोरोफिल। अगर रेड कलर, अगर प्लांट का कुछ पत्ता रेड दिखाई दे रहा है और येलो दिखाई दे रहा है, फॉर व्हिच पिगमेंट, कैरेटिनॉइड, ओके क्रोमोप्लास्ट बोल सकते हो। अगर कलरलेस दिखाई दे रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये स्टोर करता है वेरियस न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करता है, जैसे अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है किसको बच्चों, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को, एग्जाम्पल पटाटो। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट को, मैं तुमको यहाँ पर लिख के रखा हूँ, तुम ये पूरा डायग्राम को रट्टे मार के रखो जिसके तरह तुमको हेल्प आ जाएगा बहुत। अभी ये देख लो तुम, जैसे कॉइन के कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन ऐसे ही पड़ा है, तो ये एक कॉइन को अगर हम बोलेंगे थाइला, या एक कॉइन को बोलेंगे थाइला कॉइन, अगर स्टैक ऑफ कॉइन को बोलेंगे हम ग्रैनम। ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट है उसको बोलेंगे स्ट्रोमा, और इनर पार्ट, ये भी टू मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, तो उसको आउटर पार्ट को हम आउटर मेम्ब्रेन, इनर पार्ट को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, तुमको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन प्लांट, ओके मेजोफिल सेल आर द लीव, दे आर लेंथ शेप्ड ओवल स्फेरिकल एंड इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल, हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, वेथ 2 to 4 माइक्रोमीटर, द नंबर वेरीज फॉर वन से वन पर सेल क्लैमाइडोमोनास, ए ग्रीन एल्गा, एक ग्रीन एल्गा होता है क्लैमाइडोमोनास, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो व्हाट, डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई नहीं दिया था, मगर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाई दिया था, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूँ, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट वो दिखाई देता है। ठीक है, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, इतना परमिएबल नहीं होता है। परमिएबल मतलब पास हो जाना, उसके जो पर्दा होता है ना इनर मेम्ब्रेन, परमिएबल मतलब उससे पास अच्छे से हो जाना, इन मतलब लेस परमिएबल मतलब इतना पास नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत पास हो पाएगा, मतलब ये एक बैरियर है। यहाँ से अगर मतलब 5 लोग आए, पूरा 5 लोग चले गए इधर पास होकर, वो पूरा परमिएबल। अगर 5 लोग आए मतलब 2 गए जा पाए और 3 रह गए, तो वो थोड़ा लेस परमिएबल, समझ रहे हो। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इनर, जैसे हमारे साइटोप्लाज्म का इनर पार्ट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के इनर प्लाज्म को इनर पार्ट को हम न्यूक्लियोजोम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोजोम मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। ये सब मतलब रिलेट करते जाओ, बायोलॉजी तुमको अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है, सब चीज़ को रिलेट करते जाओ, जब एक चीज़ पढ़ रहे हो तो दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे मतलब दूसरे गर्लफ्रेंड के नहीं, दूसरे टॉपिक के बारे में कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब जब यहाँ पर पढ़ रहे हो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जब हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे ना, थोड़ा बहुत लिंक करना। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस सैक को बोलते हैं थाइलाकोइड, ऐसे ऑर्गेनेल फ्लैटेन डिश लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकोइड बोलते हैं। अगर स्टैक ऑफ थाइलाकोइड उसको हम बोलते हैं ग्रैनम, जो कि प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, द थाइलाकोइड आर ए स्टैक, स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन,
कॉर्न के ऊपर जैसे रखते हैं वैसे ही स्टक होकर रह जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्राना गाना, द इंटीग्रल इंटीग्रल थैलाकोइड। इन एडिशन देर आर फैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिलर कनेक्टिंग द थैलाकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्राना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड इंक्लूड स्पेस कॉल्ड लुमेन। द स्टोमा क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मेन चीज है, मेन काम है स्टोमा क्लोरोप्लास्ट। स्टोमा में क्या होता है बच्चों, ना कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मैं तुमको बोला ना, जैसे मम्मी है खाना बनाने को कहो, वो पहले वेजिटेबल लाएगा, फिर बर्तन वगैरह लाएगा, देन खाना बनाएगा। तो मेन काम है हमारा क्लोरोप्लास्ट को ग्लूकोज बनाना। कहाँ पर बनेगा? ना स्ट्रोमा में बनेगा। थायलाकोइड का काम क्या है? ना ये इसको सामान जोगाएगा, मतलब सामान मतलब एटीपी वगैरह वो रेडी करके देगा, तो उसी एटीपी को यूज करके ये ग्लूकोज बनाएगा। कौन? ना क्लोरोप्लास्ट। कहाँ? ना स्ट्रोमा में। इट ऑल्सो कॉन्टेन स्मॉल डबल मेम्ब्रेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। मैं तुमको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बाहर से है बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट है तो उनके पास डीएनए होगा। डीएनए होगा तो किस टाइप का डीएनए होगा? ना सर्कुलर टाइप का डीएनए होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का सर्कुलर टाइप का डीएनए है, तो इनके भी सर्कुलर टाइप का डीएनए होगा। और राइबोसोम भी होगा। राइबोसोम किस टाइप का राइबोसोम होगा? ना 70S का राइबोसोम होगा। क्यों होगा? ना ये प्रोकैरियोटिक है, हमारे पास राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है? ना प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एमआरएनए से जब प्रोटीन निकलता है ना, किसके थ्रू निकलता है? किसके हेल्प से निकलता है? राइबोसोम के हेल्प से निकलता है। ठीक है बच्चों, तो राइबोसोम मेन ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर डीएनए से राइबोसोम सॉरी सर्कुलर डीएनए दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? ना क्लोरोप्लास्ट हो माइटोकॉन्ड्रिया हो, सर्कुलर डीएनए इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो मतलब बहुत साल पहले वो प्रोकैरियोटिक का मतलब एक ऑर्गेनेल थे, प्रोकैरियोटिक थे। तो अभी घुस गए एंडोसिम्बायसिस थ्योरी के, मतलब अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायसिस थ्योरी वो मर्ज हो गए, मगर उनका डीएनए ऐसे अभी भी सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम अभी भी 70S है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। ओके, तो वही थाइलाकॉइड में जो क्लोरोफिल है उसी को वो लाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर तुम्हारे लिए ग्लूकोज बनाते हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर द स्मॉलर 70S। तुमको ये बार बार बोल चुका हूँ। ध्यान दो, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में कितना एस का होता है? 80S का होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। चलो बाय।